तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका विक्रम एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो आपके पैसे बचा सकती है बहुत। आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो होली की है, लेकिन होली के बाद में क्यों आ रही है? तो मैं आपको बता दूँ, मैंने ये वीडियो होली के दिन बनाई थी, तो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग गया, तो इसके लिए सॉरी गाइस। हम इस वीडियो में आपके पैसे बचाने वाले हैं, रिश्ते में बन जाएगा वो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि मैं वीडियो भेजूं अगली कोई सी भी तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो इसे बनाने के लिए हमारे पास है ये बोतल, आप देख सकते हो। तो कोई भी चीज़ कबाड़ा नहीं होती, आपको पता ही होगा। तो इस बोतल से हम बनाने वाले हैं। ये खाली होकर पड़ी थी तो मैंने इसको उठा के बढ़िया धो लिया और अच्छा कर दिया इसको। अब यहाँ पे एक और आता है कि इस बोतल पर हमको यहाँ पे छेद करना होगा ऊपर। तो क्यों कर रहा हूँ मैं तो बता देता हूँ। तो ये देख सकते हो हमारे पास वाल्व है, तो इस वाल्व को फिट करने के लिए हमें यहाँ पे छेद करना होगा इसके साइज़ का। आप अगर आप मोटरसाइकिल का ले रहे हो तो मोटरसाइकिल के हिसाब का, मैं साइकिल का ले रहा हूँ फिलहाल, तो मैं साइकिल के हिसाब का यहाँ पर छेद कर देता हूँ। मैं यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन का यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। आप चाहो तो ड्रिल मशीन का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको छेद कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको छेद कर दिया है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हुआ है छेद। तो मैं इसको फिनिशिंग दे देता हूँ अच्छे से, फिर आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, इसकी फिनिशिंग दे दी है यहाँ पे अच्छे से। इसके अंदर आराम से टाइटली आ रहा है वाल्व, देख सकते हो। तो अभी इसका काम खत्म हो गया, अब इसके ऊपर हमको रबर की गोल सीट लगा ली है, ताकि हमारी एयर बाहर नहीं निकले, लीकेज नहीं हो। तो उसके लिए मैं ट्यूब के टुकड़े से कुछ गोल काट लेता हूँ। तो अभी मैंने कुछ इस तरीके से पीस इसके अंदर लगा दिए, और दो ये वाला एक और काट लिया है ऊपर लगाने के लिए। तो ये अंदर इसके अंदर कैसे फिट करेंगे इसको, तो उसके लिए मेरे पास एक वायर है, मैंने एक वायर लिया और इसको इसके अंदर इस तरीके से डाल दिया, और फिर कुछ इस तरीके से पीछे इसके नोट लगा दी, फिर इसको इस तरीके से हो जाएगा ये अंदर। तो इसको अंदर से हमको ये वायर निकाल लेना है, ये देख सकते हो इस तरीके से कुछ, और फिर इसके अंदर इसको भेज देना है। और यहाँ पे जैसे ही ये वाला आएगा तो मैं उंगली के सहारे से इसको अंदर खींच लूँगा। मैं देख सकते हो ये आराम से इजीली आ गया है। अगर आपके पास वायर नहीं हो तो आप धागे का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आराम से इजीली आ गया है हमारे, तो इस तरीके से। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर अभी कसने वाले इसको। तो इसका ये वाल्व ये रहा, वापस एक बार ये वाला लगा देते हैं वापस से। तो ये दोनों रबड़ इसके ऊपर लगा देता हूँ मैं। तो आप अभी देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर हमको ये वाल्व ये इसका नट्टी कस देना है। तो मैं इसको प्लास से टाइट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको टाइटली अच्छे से कस दिया है, यहाँ पे हमारी एयर लीक नहीं होने वाली है अब तो। और इसके बाद में हमको इसको फिट कर देना है ऊपर, तो मैं इसको लगा देता हूँ। तो ये भी हमारा फिट हो गया है, ये भी इसका भी काम खत्म हो गया, इसको भी टाइट कर दिया है। अब इसके ढक्कन पर आते हैं। तो ये रहा इसका ढक्कन, इसके ढक्कन के मिड साइड में हमको होल करना है। इसके अंदर इसके साइज के कुछ इसके अंदर होल करने हैं, क्योंकि ये दो इस तरीके से कोई पेन लेने हैं दो, क्योंकि हमारे इसके अंदर साइज कितनी आएगी तो ये एक पेन तो इसको पूरा कवर नहीं कर पाएगा। तो मैं दो पेन ले रहा हूँ यहाँ पे, जो इसको पूरा नीचे तक कवर कर लेगा। ये हमारा इसके अंदर पाइप रहेगा, तो इसके अंदर छेद कर लेते हैं ये आई जितना। तो इनको कैसे जोड़ना है, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे इनको आगे से काटना पड़ेगा, इसको भी आगे से काट के मैं घिस के इनको डायरेक्ट आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो मैंने इनको आगे से इस तरीके से घिस लिया है और प्लेन कर दिया है इसको, कुछ इस तरीके से आगे से चिपका देता हूँ मैं। तो आप
यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने इसको पीसिंग के साथ चिपका दिया है, मजबूत जैसा बड़ा बना होगा आपको। तो ये भी बन गया है। अब इसके अंदर इसको छेद करके इसको फिट कर ले करना है। और आप यहाँ पे पाइप ले सकते हो, मेरे पास ये रखा हुआ था तो मैं इसको यूज़ में ले रहा हूँ। आप देख सकते हो कुछ लंबा ले सकते हो, कितना ही लंबा ले सकते हो, फिलहाल इसमें इतना ही सही रहेगा मोटाई। तो इसको और इस पाइप को इसके अंदर जल्दी से फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस ढक्कन पर एक छेद कर लिया है इसमें, और यहाँ पे और इसके ऊपर मैं ट्यूब भी लगा रहा हूँ। इस ट्यूब में मैंने छेद कर लिया है क्योंकि हम ट्यूब लगाएंगे तो इसके अंदर से हवा लीक नहीं करेगी हमारी, बाहर नहीं निकलेगी। और यहाँ पे मैंने इसको चिपका के नीचे थोड़ा सा पाइप का टुकड़ा लगाया है ताकि मैं इसको ढक्कन के ऊपर से थोड़ा सा बाहर निकाल सकूँ। थोड़ा सा क्यों निकालेंगे हम इसको बाहर, उस वह भी बताऊँगा क्यों। जो फटाफट से मैं इसको इसके हिसाब से यहाँ पे लगा के चिपका देता हूँ जल्दी से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने इसको फिर क्यूब की मदद से मिट्टी लगा के एकदम मजबूती से इसको चिपका दिया है। अब हमें इसके ऊपर इस पाइप को फिट करना होगा इसी तरीके से, मैंने यहाँ पे फिट किया है ना उसी तरीके से मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको भी कुछ इस तरीके से इसके और इसको एक तरह से बढ़िया टाइटली बांध दिया है। हमारा इसके अंदर आ गया है, देख सकते हो इस तरीके का लुक है इसके अंदर, बन के रेडी भी हो गया है। लेकिन इसका एक सबसे मेन चीज़ रह गया है, इसका स्विच मतलब पाइप का स्विच मतलब ऑन ऑफ करने का जो हमको बनाना है। तो उसको इसे बनाने के लिए हम मैं ले रहा हूँ एक ऐसी मोटी पीवीसी वाली पाइप की सीट। देख सकते हो इसकी मोटाई बहुत है हमारे लिए मोटाई इसकी, तो इसे बनाने वाले हैं ताकि ये मजबूत भी बने। के लिए कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है मैंने यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का। और यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे बनाया है ताकि ये इसको रोक सके कुछ इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे एक काम करना होगा, इसके मिड साइड में यहाँ पे एक होल, उधर भी एक होल और इसके अंदर भी एक होल करना पड़ेगा। और इसके बीच में मैं एक तार लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके सा बना दिया है, आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। और मैं आपको इसके अंदर पाइप को भी लगा के दिखा देता हूँ, ये हमारा पाइप रहा इसके। तो अभी आप देख सकते हो जैसे मैं इसके अंदर लगा देता हूँ, तो अभी इसको ऊपर करूँगा तो ये आप पाइप को देखना देख सकते हो इस तरीके से। तो ये हमारा स्विच इस पाइप का लॉक अच्छे से वर्क कर रहा है। अभी यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल ये बंद हो गया है पाइप हमारा, जैसे हम इसको ऊपर करेंगे इस तरीके से तो ये हमारा खुल जाएगा पाइप। तो यहाँ पे इस तरीके से वापस बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। और ये हमारी बोतल के ऊपर मैंने ये ट्यूब लगा दी ताकि हमारा हवा बिल्कुल भी लीक ना करे। तो इसको बंद करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम तैयार हो गया है हमारा। मैंने इसके अंदर गुलाल भर लिया है और इसके ढक्कन को मैं अच्छे से टाइटली जुड़ के इसमें हवा भर के आपको टेस्टिंग दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको आराम से भर लिया है, अब मैं इसको जैसे खोलूंगा तो आप देखना। तो गाइस यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, देख सकते हो कितना बारीक से गुलाल आ रहा है, देख सकते हो अच्छे से दिख रहा है इसमें गुलाल। तो एक बार और टेस्टिंग करा देता हूँ इससे। तो इसको एक बार और से भर लेते हैं। तो ऑफिस से मैंने इसमें भर लिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं भी बहुत दूर तक गया उधर, आपको दिखाया अच्छे से वर्क करता है। अब इसी को मैंने वाटर प्रेशर पिचकारी बना दी उसके अंदर डाल के एक बार उसमें भी टेस्टिंग करने वाले के वो भी कितने अच्छे से वर्क करती है, तो उसमें भी टेस्टिंग कर लेते हैं। देख सकते हो कुछ मैंने ये बनाया था, उसके नीचे मैंने ये वाली पाइप को मैंने बाहर निकाल दिया है और यहाँ पे इसको छोटा करके इसके आगे इसका कंट्रोलर लगा दिया है और इसको जॉइंट करके यहाँ पे इसको सादा ही छोड़ दिया है। तो चलो इसमें भी गुलाल भर के इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे इसको चला के देखते हैं, यहाँ पे गुलाल बहुत अच्छे से इसमें मैंने भर दिया है, आप अपने हिसाब से थोड़ा क्या ज़्यादा भर सकते हो। अभी देख सकते हो
तो भी आपने देखा कि नहीं अच्छे से और उससे भी ज़्यादा देर तक चलाए, क्योंकि वो बोतल मोटी थी इसलिए उसमें ज़्यादा एयर नहीं आई और वो पाइप भी मोटा था उसमें से निकल जाती थी इसलिए उसके अंदर ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई। अब इसको और भी चला सकते हैं, देखते बहुत देर तक चलती है, देखो लगभग सारा गुलाल इसमें ख़त्म हो गया है। देख तो इसमें एयर ख़त्म होते ये अपने आप बंद हो जाती है, उससे भी ज़्यादा देर तक चलिए। तो उससे मैं बेस्ट ये इसको बताऊंगा कि इसी बोतल के अंदर आप इस तरीके का सारा करें और बनाए तो इससे ही बनाए। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि मैं अगली जो भी वीडियो भेजूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाते हैं अगली वीडियो में ऐसे मज़ेदार प्रोजेक्ट और नॉलेज के साथ।